क्या मनी इन द बैंक में जिमी उसो का बाप रिकेशी रिटर्न करके करेगा रोमन रेंस पे हमला? कौन बनेगा रिकेशी की पाद का शिकार? और रिकेशी के अलावा किन सुपरस्टार्स का हो सकता है मनी इन द बैंक में रिटर्न? तो आइए जानते हैं ऐसे 5 सुपरस्टार्स या लेजेंड्स के बारे में जो इस साल मनी इन द बैंक में अपना रिटर्न कर सकते हैं। नंबर 5, ब्रॉक लेसनर। नाइट ऑफ चैंपियंस के बाद से ही जंगली शेर WWE में नहीं दिखाई दिया और रिपोर्ट्स के मुताबिक 100% मनी इन द बैंक 2023 में ब्रॉक लेसनर का रिटर्न होगा, जहां वो कॉडी रोड्स और डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच होने वाले मैच के दौरान आकर अमेरिकन नाइटमेयर पे भयानक हमला कर सकते हैं। नंबर 4, रैंडी ऑर्टन। मई 2022 से ही रैंडी ऑर्टन बैक इंजरी के चलते WWE से गायब है और कई सारी रिपोर्ट्स का मानना है कि मनी इन द बैंक में द वाइपर का रिटर्न होगा और वो इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच में इंटरफेयर करके रिडल को अपना शिकार बनाएंगे। नंबर 3, जॉन सीना। हाल ही में सिनेशन लीडर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे ये फोटो पोस्ट की थी, जिसका सीधा मतलब निकलता है मनी इन द बैंक, और कुछ टाइम बाद उन्होंने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया। प्रेजेंट टाइम में जॉन सीना लंदन में है, जहां मनी इन द बैंक प्रीमियम लाइव इवेंट होगा। ऐसे में अब उनके रिटर्न के चांस भी काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। नंबर 2, ड्रू मैकइंटायर। रेसलमेनिया 39 के बाद से ही स्कॉटिश वॉरियर WWE से गायब हैं और फाइनली अपने गढ़ में एक विलन के तौर पर रिटर्न करके ड्रू मैकइंटायर सेथ रॉलिंस पर हमला करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिसके बाद हमें इन दोनों योद्धाओं के बीच वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए फ्यूड देखने मिलेगी। नंबर 1, रिकिशी। उसोस और सोलो सिकोवा का बाप रिकिशी ब्लड लाइन में चल रहे झगड़े से काफी परेशान है, इसलिए कई बार रिकिशी ने खुद अपना WWE रिटर्न टीज किया और मनी इन द बैंक में फाइनली रिकिशी अपना रिटर्न करके उसोस या रोमन रेंस में से किसी एक को अपनी पाद सुंघाकर सबक सिखा सकते हैं, क्योंकि यही उनका सबसे बड़ा शस्त्र है। लेकिन आप मनी इन द बैंक में किसका रिटर्न देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।